गर्मियों में ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ जाती है जिससे पसीना आना आम हो जाता है। इस पसीने से हमें काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन प्राइवेट पार्ट्स में। ये इन्फेक्शन हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जल्दी से स्प्रेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। लोग इस इन्फेक्शन को अक्सर नजरअंदाज करते हैं और गलत चीजों को इस्तेमाल करके इन्फेक्शन को और बढ़ा देते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? फंगल इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है प्राइवेट पार्ट्स में? इसका पूरा रिलेशन है हमारे क्लोथिंग से। जैसे हमने देखा है, हम टाइट जीन्स पहनते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और मॉइस्ट होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो करने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो रिंग वॉर्म की तरह हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक रिंग की तरह आपको दाग दिखाई देगा। इसके स्पोर्स एयर और कपड़ों में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रहने वालों को भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हम इस फंगल इन्फेक्शन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं, जैसे एंटी फंगल पाउडर। एंटी फंगल पाउडर एरिया को ड्राई रखता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। मैंने कुछ 5 एंटी फंगल पाउडर लिस्ट करे हैं जो आपका फंगल इन्फेक्शन जड़ से हटा देगी। फर्स्ट, एब्जॉर्ब पाउडर। इसमें क्लोट्रिमिजोल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इचिंग भी कम करता है। सेकेंड, कैंडिड। ये भी एक डस्टिंग पाउडर है जो इचिंग, स्वेलिंग, रैशेस को कम करता है। थर्ड, क्लोसिप। ये पाउडर एंटी फंगल के साथ साथ ईस्ट इन्फेक्शन को कम करता है। ये काफी सारी बीमारियों को भी दूर करता है। इसी के साथ इसमें 1% क्लोट्रिमिजोल होता है, जो कि काफी इफेक्टिव होता है फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में। फोर्थ, कैनिस्टिन। ये 5 times बेटर रिलीफ देता है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। इवन दैट कैनिस्टिन को प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज कर सकती है। टेटमोसोल। ये पाउडर एथलीट्स फुट, जॉग ईच, रिंग वॉर्म को दूर करने में काफी इफेक्टिव है। ये पूरा स्वेट एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में, जिसकी वजह से एरिया ड्राई रहता है। साथ ही साथ आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप फंगल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करेगी। अपने कपड़े अपने पास ही रखें, मतलब किसी से शेयर ना करें, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने और कोशिश करें कि कॉटन कपड़े पहने, स्पेशली अंडरगारमेंट्स। जेनिटल को ड्राई रखें, जब भी वॉशरूम जाएं तो टिश्यू पेपर से उसे क्लीन करना ना भूलें। अगर आप ये चीजों को फॉलो करते हैं और अपनी स्किन को मॉइस्ट होने से पहले पाउडर लगा लेते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपना फंगल इन्फेक्शन रोक सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारी एथलीट फूड्स वाली वीडियो जरूर देखें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।